हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। तो आज भी 1 से 100 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखिए, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए, कह रहा पहला क्वेश्चन कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व, प्रेम धन नहीं, प्रेम घन होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो वह है धर्मवीर भारती, यानी बी ऑप्शन सही है। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? पैगंबर बख्श खां था, ठीक है, पैगंबर बख्श खां था। और अली बख्श खां इनके दादा का नाम था, और सलार हुसैन खां चाचा का नाम। दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा खूब उन्नति करना। विद्यार्थी सोच लेते दिन रात परिश्रम करना ये नहीं होगा, ये होगा खूब उन्नति करना, यानी सही आंसर हो जाएगा खूब उन्नति करना, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुए। इस बात में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? जयचंदों के कारण, यानी कि अधिक लोग हैं इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में क्या है? तो अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहा जाता है? तो ये हुई नंदी नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो किस पाठ की पंक्ति है? तो ये जो पाठ है 20 के दांत पाठ की पंक्ति है, यानी 20 के दांत जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहा है कोयल का कंठ मधुरतम है, तो कोयल का कंठ नहीं, मधुरतम नहीं होगा, ठीक है। राम को चरखा काटना चाहिए, देखिए चरखा नहीं काटा जाता है, सूत काटना चाहिए, होता तो सही हो जाता है। मैंने कविता सुनाई, तो कविता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सुनाई होगा, यहाँ सुनाया लिखा है, तो आपका समझ में आ गया होगा मेला में मिठाइयाँ बिकती है, ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन करें रामलीला शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कह रहा है प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्व, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना, यानी कि सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक ग्राहवा क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका कन्नड़, कन्नड़ भाषा से अनुदित है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? जंगल हो जाने से, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर कह रहे बली अमाल किस गाँव से आई थी? तो ये जो आई थी ये मुंडाटी पट्टी गांव से आई थी, ये जो मुंडाटी पट्टी गांव है तमिलनाडु में एक गांव है, ठीक है, तमिलनाडु के गांव है, जो अपने बेटी पंपाती को शहर लाई थी। शहर कहाँ लाई थी? तो मदुरै, ठीक है। ये जो दिया गया है नगर पाठ से है, ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है और ये रुआं ढकार देने वाला कहानी है, क्योंकि जब वो शहर लाती है पहले तो गांव में ही हेल्थ सेंटर में उसका इलाज कराती है, और ये जो बली अमाल है ये बहुत ही अशिक्षा है, इसमें मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, इसको पता नहीं है शहर के बारे में, तो इसमें कहानी आप लोग जानते होंगे तो आप लोग पता होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 14वां, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये जो होता है गुजराती भाषा से अनुदित है माँ कहानी। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का प्रतीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध है ये मुहूर्त शब्द शुद्ध होगा, जिसमें त में ये जो है तत्व संयुक्त लगा है, ठीक है, ये शुद्ध होगा। महर्षुकार ध्रुवकार होगा, ठीक है। सेन साहब की नई मोटर कार की कितने की थी? तो 7,500 की थी, ठीक है, तो 7,500 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो दी थी वो गोस्वामी विठलनाथ ने, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो कैलाश नाम था। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो उत्तर छायावाद, ठीक है। आगे कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो नौकरी के कारण भागा था, नौकरी के लिए भागा था, जिसे यहाँ कह रहा है कि भागा था, वो नेपाल का रहने वाला था बहादुर, और इसका दिल बहादुर नाम था पूरा, और ये आया था यहाँ पर भागने की बात कह रहा है, तो यहाँ पर माँ के मार के कारण भी हो सकता है, ठीक है, ये नौकरी के लिए आया था, तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है सही आंसर सी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भागा था लिखा है, अगर आया था रहता तो नौकरी कारण हो जाता, लेकिन यहाँ पर भागा था तो माँ उसको चोरी का इल्जाम लगाई थी और उसको मारी थी, इसलिए वो भागा था जहाँ पर वो काम करता था, ठीक है, तो इसका सही आंसर सी होगा, बी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है,
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गंध जहां होगी ही घास की, किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो जीवनानंद दास की पंक्ति है, मतलब कविता जो है, लौट कराऊंगा फिर, तो यहाँ पर जीवनानंद दास सही है। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो आखिरी प्रोग्राम जो है मैनपुरी में किया था। सही आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेमार को अति शुद्धो कहता है क्यों? ताकि तनिक भी चतुराई काम नहीं करती। अति शुद्धो में थोड़ा सा चतुराई घमंड त्याग कर चलती है। यहाँ पर कह रहा है कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर कह रहा है कि अव्यय भाव समास में अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। तो प्रथम पद प्रधान होता है अव्यय भाव समास में, और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी अंतिम पद कह सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध जो है वाहिनी है। तो वाहिनी ए ऑप्शन जो है ए वाला सही है, वाहिनी। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम है, सुजाता रंगराजन। आगे कह रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी संगियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये जो पाठ है ढहते विश्वास पाठ की है, ठीक है। तो ढहते विश्वास इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो गौशाला कहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबू जी कहते थे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? जैसे कि मान लीजिए विसर्ग के बाद च या छ होता है, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद च या छ रहेगा तो आधा स में बदल जाएगा। जैसे नीह प्लस मान लीजिए चय होता है, तो नीह प्लस जब चय होता है तो विसर्ग के बाद क्या है च है, तो ये निश्चय हो जाता है इस प्रकार से, तो आधा स में बदल जाता है, यानी कि आधा तलाबी स में बदल जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाए आवट, लिखावट तो हो जाएगा आवट, ठीक है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरु ज्ञान बहुत ही जरूरी है, चाहे वो गुरु आपका माता पिता हो, आपको जो ज्ञान देता है वही आपका गुरु हो जाता है, चाहे वो टीचर हो या माता पिता हो या आपके भाई या बहन हो। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, आप लोगों को पता होगा, और प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दूर। अगर दू होता तो भी सही हो जाता है, तो यहाँ पर दूर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। दुरुकार वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हर्षुकार वाला होगा, यानी कि ये वाला ऐसे जब लिखाएगा तो ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आंद्रे ब्रेता रेनेसा और पाल एलुआर ने अनुवाविनियों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी? तो ये तीनों ने मिलकर 30 कविताओं की रचना की थी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो आप लोग मूस मार देंगे, मूस नहीं कहते थे, माइस कहते थे, ठीक है, माइस। यह गाय बहुत दूध देती है, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह जो है सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मेरा धर्म कदखाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की युक्ति है? शिक्षा और संस्कृति, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि शयन का संधि विच्छेद क्या है? तो ये होता है से प्लस अन, जैसे नयन का होता है ने प्लस अन, तो शयन का भी इसी प्रकार से होता है से प्लस अन। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो चिदंबरा होगा, चिदंबरा के लिए दिया गया था। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? ये जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन सही है। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के जो लेखक हैं वो है विनोद कुमार, ये क्या बोलते हैं, विनोद कुमार शुक्ल, विनय कुमार शुक्ल नहीं, विनोद कुमार शुक्ल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि खालिस बेचैनी किसकी है? खरगोश की, आप लोग को पता होगा। वर्तमान काल कितने प्रकार है? तो पांच कौन कौन होता है आप लोग बता देते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और अज्ञात वर्तमान काल। पांच भेद होता है वर्तमान काल। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने जो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु भाग गया था मछली को लेकर कुएं में डालने के लिए। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, पथ भ्रष्ट में तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो वो है अणु बम, उस परमाणु बम यहाँ पर कह सकते हैं,
अणु बम या परमाणु बम। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो हो गया श्रमिक विभाजन का, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, तो आप लोग पढ़े होंगे दही वाली मंगमा में सास बहू, यानी मंगमा का जो बहू का नाम है वो नजमा है, तो दही वाली मंगमा का कहानी है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, कालिदास ने कहे थे। ठीक है, आई कह रहा है कि लक्ष्मी किस कहानी केंद्रीय पात्र है, तो लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास की है, तो ढहते विश्वास यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है तीन किलो चार अधिक अच्छा, तो गुणवाचक विशेषण जो है ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा एक गुण है। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो ग्रीस जो है स्वर संधि का उदाहरण है, गिरी प्लस इस होता है, महा प्लस इंद्र हो जाएगा, एक प्लस एक एकाएक हो जाता है, लेकिन ये जो है वाक प्लस पति होता है, वाक वाक प्लस पति, यानी कि ये जो है व्यंजन संधि है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन करें, सदियों की ठंडी राख सुबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, ये पीएम मोदी ने बीरो पर कहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो हो जाएगा 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, 1938 ईस्वी में सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अशुद्ध शब्द क्या है, तो श्रृंगार हो जाएगा। आगे कह रहे हैं मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापन किया, समय 18 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो पेरिस में है एफिल टावर, तो एफिल टावर जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जीत जीत में निखरत हूँ पाठ की विधा क्या है, साक्षात्कार है। आगे क्वेश्चन करें, दुर्दांत मानवीय विषय का चित्रण वाली कविता है हिरोशिमा। ठीक है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है तो अउपसर्ग है। ठीक है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अति सुधो स्नेह मार्ग है जहां नेकु सेन बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये घनानंद कवि की है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो हो जाएगा 1916 ईस्वी में, तो 1916 ईस्वी सही है। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल से सही आंसर और सही चीज जो है बताया जाता है। तो 66 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि भी है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है, तो सावरदैया जो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों को भूमिका है, करें नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, तो सही आंसर हो जाएगा निर्णायक। ठीक है, रंगप्पा क्या था, तो ये जुआरी था, कंजेड़ी था। ठीक है, शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वाक्य है आज की ताजी खबर, तो आज की ताजी खबर नहीं होता, ताजा खबर होता है, रोटी ताजी है, रोटी ताजी है सही है, हवा बहती है होगा, यहाँ पर बहता है लिखा है, रोटी ताजी है सही है, दाल अच्छा है, दाल अच्छी है होगा, क्योंकि दाल स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, तो रोटी ताजी है सही आंसर है। ठीक है, कह रहा है आगे क्वेश्चन कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो लेखक ही खाता थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने लेखक पर क्या आरोप लगाया था, तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो रेनर मारिया रिलके हो जाएगा। तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है, तो राजपुत्र तो है, वनवास भी है, पवन चौराहा नहीं होगा, चौराहा जो है दिगु समाज का है। अव्यय भाव समाज में कह रहा है कि पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व माने क्या होता है, पहला, पहला पद प्रधान होता है, ये क्वेश्चन पहले भी था। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा नहीं हो सकता, दहेज प्रथा भी नहीं होगा बेरोजगारी के लिए, तो बेरोजगारी के लिए अशिक्षा है, तो इसमें अगर मान लीजिए कि जनसंख्या विस्फोट है तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता, लेकिन यहाँ पर अशिक्षा सही ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, शुद्ध शब्द है, यहाँ पर देखिए फिर शुद्ध शब्द कह रहे, तो अभिलाषा, तो अभिलाषा जो है सही, जो अभिलाषा है ये ऑप्शन वाला सही है। घनानंद कवि है, कह रहे रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीतिशील, छायावादी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है घनानंद कवि नहीं है, मान लीजिए कवि नहीं है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। रीतिमुख, सीधी रीतिशील और रीतिबद्ध, ये तीनों है, तो नहीं कौन होगा, तो होगा छायावादी,
तो नहीं होगा तब छायावादी होगा, नहीं तो ए बी सी और ए बी सी तीनों सही है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म से ही पागल है, तो मंगू जन्म से पागल थी, तो मंगू सही आंसर हो जाएगा। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो माँ ने मना किया था। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उसने पिता देवासान हो गया, यानी कि पिता स्वर्ग सिधार गए, तो 9.5 साल, तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसे कहा है, तो मैक्स मुलर को कहा है। ठीक है, दही वाली मांगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास है। स्वर संधि का उदाहरण कौन है, तो वधूत्सव हो जाएगा, वधूत्सव द्रुहकार से होगा। ठीक है, वधूत्सव पुनर्जन्म जो है पुनः प्लस जन्म हो जाएगा, अर्थ प्लस छादन हो जाएगा, वाक प्लस देवी हो जाएगा। तो ये जो है व्यंजन संधि है, और बाकी जो है ये विसर्ग संधि है, और ये जो है ये स्वर संधि है, वधु प्लस उत्सव, क्योंकि हर्षुकार और हर्षुकार जो होता है द्रुहकार हो जाता है दोनों मिलकर, यानी कि हर्षऊ प्लस हर्षऊ, हर्षऊ बराबर दुर्घऊ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन करें ललित निबंध है, तो ललित निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं होगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, कौन है, बिस्मिल्लाह खां। सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का जो भेद इसमें कौन है, तो संबंध वाचक सर्वनाम होता है, द्रवाचक भाववाचक व्यक्ति तो संज्ञा होता है, तो संबंध वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तीन बेटे की माँ कौन है, तो वो है सीता, ये रामायण वाली सीता नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, कौन होगा, तो वह होगा, वह जो है सर्वनाम होगा। मोहन तो संज्ञा हो जाएगा, अच्छा गुण विशेषण हो जाएगा, माता पिता ये मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, समास हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ जो है जनतंत्र का जन्म है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद समास कहते हैं। तो कह रहे हैं द्वंद समास कौन है, तो दिन रात दोनों प्रधान है, दिन भी जरूरी है और रात भी जरूरी है। ठीक है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रववाचक संज्ञा तेल हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि सरहद पाद की कृति है दोहा कोश, सरहद पाद की कृति क्या है, दोहा कोश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 94, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन कि कविता नहीं है, इसमें कविता कौन जो है नहीं है, तो एक वृक्ष की हत्या कविता है, लौट कर आऊंगा फिर ये भी कविता है, हमारे दिन कविता है, नौबत खाने में इबादत ये जो है कविता नहीं है, ये कहानी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था, तो वो बेगूसराय में हुआ था। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तीन को विशेषण है, ये प्रविशेषण है। ठीक है, तो ये विशेषण का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन किया, तो अगे ने किया था, अगे सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ये 1943 में किए थे। अब केवल दो क्वेश्चन रह गए हैं, देखिए खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करें जरसाही में थी, जरसाही कहां थी, तो सोवियत रूस में, अगर सिर्फ रूस भी देता है तो भी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।